नमस्ते हिंदुस्तान, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एक्सप्लोर व्लॉग में। आज है वीरवार और हम गए हैं इंद्रलोक की मार्केट में। वैसे मार्केट कुछ खास लगा नहीं था, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कुशन कवर, क्योंकि सबसे पहले यही शॉप लगी हुई थी बाहर आउटसाइड में। तो कोई भी लो, आपको पर पीस 30 रुपये का मिलेगा। क्वालिटी वाइज डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे हैं, फ्लावर में मोटिफ में आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं, प्लेन में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे थे, 30 रुपये का एक। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर इस पर सीनरी बनाई हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की आप लोगों को दिखाने की, निकाल निकाल के। ये देखो तबला इस पर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। ये देखिए एक से एक राजस्थानी प्रिंट इस पर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर थे, फ्लावर में बर्ड्स में। तो ये डिस्पेंसरी की बैक में लगती है और इस तरीके से आपको मिलेगी, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। साइड में ही आपको यहाँ पे 350 में सूट मिलते हैं। अब आगे आ जाइए नरेश भैया की शॉप पे, उन्होंने जूतियाँ लगा रखी थी। जूतियों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो भी क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक है। और ये 300 रुपये पर पीस है, तो आप जो भी लेते हैं भाई अपना देख के ले, संभाल के ले और पहन कर ले, ट्राई करके ले। तो जूतियाँ आप एक से एक चड़मा डिज़ाइन देख सकते हैं। आज मार्केट कुछ खास लगा नहीं था क्योंकि कमेटी वाले परेशान कर रहे थे, तो जो जो शॉप वहाँ पे खुली है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और नरेश भैया की शॉप बिल्कुल फेमस है, डिस्पेंसरी के साथ सही इसमें एक गली जाती है सीधी सी, बस वहीं पे है। शूज़ लेके आए थे, 400 के थे। ये मायो के शूज़ हैं, तो मायो एक ब्रांड है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं इनके पास। ये नरेश भैया के जो काम संभालता है एक भैया, उनके पास बच्चों के सैंडल थे, तो ये वाले जो आप देख रहे हैं 200 में थे। और नेक्स्ट जो आप देखने वाले साइड में ही भैया ने डाल रखे हैं, 200 में लो कोई भी पीस आप। और ये 250 में थे, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्वालिटी में, डिज़ाइन में। इस तरीके से भैया के सामने ही शॉप लगती है, नरेश भैया के सामने ही। इसमें 2-3 बंदे मिलकर इसमें लगाते हैं। तो जो भी सूट थे ये 650 के थे, लेकिन अगर आप पहले आते हैं मॉर्निंग में और इनकी बोनी कराते हैं तो ये उस टाइम आपको 500 में देंगे। अगर आप बाद में आते हैं, मतलब जो बंदा बोनी करा के चला गया, तो आपको 650 में ये मिलेंगे। तो ये भैया ने खुद बोला है कि जो पहले आएगा उसको 500 में मिलेगा, जो हमारी बोनी कराएगा, और उसके बाद ये आपको 650 में मिलेंगे। ओके, और सूटों के डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की दिखाने की इस तरीके से कैमरे से, थोड़ा सा मैं स्पीड से ही कैमरा करके आपको दिखा देती हूँ, तो आप कि आपका भी समय बच जाए। ये देखिए मैंने पूरी पूरी कोशिश की गई है कि आपको एक एक सूट मैं अच्छे से दिखा पाऊँ, जो भी मुझे मैं दिखा पा रही थी कोशिश कर रही थी। तो ये आप देख लीजिए, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, किसी में कॉटन का दुपट्टा है, किसी में शिफॉन का है, तो वैरायटी ओवरऑल गुड, बिल्कुल गुड। अगर आप लकी हैं, आप पहले जाते हैं तो 500 में आप ले लेंगे, अगर आप बाद में जाते हैं सेकंड पर्सन बन के जाते हैं तो आपको यही मिलेगा 650 में। तो ये मत मानिए क्योंकि ओवरऑल शॉप पे 650 था, क्योंकि ये तो एक फर्स्ट कस्टमर को ये चांस मिलता है। तो आप अगर 8 बजे के टाइम में जाते हैं तो आपको 500 तक ये मिलेगा, वरना नहीं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं, मैंने बार बार मतलब इतने अच्छे लगे कि मैंने इसका क्लिप ही थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। ये उसी शॉप के अंदर कुर्तियाँ डाली हुई है भैया ने एक तख्त पे, जो 500 की 2 है। कुछ कुर्तियाँ 600 की 2 थी, कुछ 500 की 2 थी, जो टॉप थे वो 150 के 2 थे, या कुछ मतलब अलग अलग तरह के रेट थे। तो जो आप देख रहे हैं कुर्तियाँ, ये 500 की 2 थी, यानी 250 रुपये का एक, 250 में 1। तो आपको ये अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अच्छे से चेक करके इनका अपना प्राइस टैग वगैरह, अपना साइज़ वगैरह चेक करके लें, और कोशिश करें कि आप इनसे इंची टेप पूछ लें या अपना कैरी करके ले जाए, ताकि आप ये सब कुछ एक साथ माप कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग वैरायटी में यहाँ पे कुर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे कुर्तियाँ देख सकते हैं, कॉटन में, साउथ कॉटन में। ये देखो एम्ब्रॉयडरी इस पर किया गया है, मतलब कि अगर आप इसे कहें तो ये कांथा वर्क है, जो छोटा छोटा स्टैम्प में इसको लिया गया है, स्लीव पे
कॉटन की कुर्तियां हैं योक डिज़ाइन में टसल के साथ। तो मैं जो भी कुर्तियाँ निकाल रही हूँ ना, तो कोई इधर से छीन रहा है, कोई उधर से छीन रहा है। तो इस तरीके से ये एक बहुत सुंदर कुर्ती थी, काफ़ी अच्छा इसके अंदर घेरा था। अगर ये कुर्ती एक लेयर और लॉन्ग होती तो मैं इसे ले लेती, ये एक लेयर लॉन्ग नहीं थी क्योंकि स्कर्ट बन सकता था। ये वाला जो यहाँ पे लगाया गया है, इन्होंने 600 के 2 लगाए गए हैं, इसमें पीटर पैन नेक के साथ है और साइड में इसमें फ्रंट में बटन्स के साथ है। साउथ, ये साउथ कॉटन में है और ये येलो मस्टर्ड में कुर्ती है जिसके ऊपर लेस और डिटेलिंग दी गई है स्लीव पर, और नीचे इसको एप्पल कट में बनाया गया थोड़ा सा, मतलब इस तरीके शेप में। ये कॉटन चेक में है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें एक स्लिट छोड़ी गई है आपके नी के साइड पे, तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी कुर्तियाँ थी। ये भी फ्रंट में कॉटन में कुर्तियाँ हैं और आप इस शॉप का बाहर से लुक देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये शॉप कौन सी है जहाँ पर यू साइड की शॉप में ये साड़ियों की शॉप लगी हुई है। कॉटन की ये साड़ियाँ थी, अलग अलग टाइप्स की थी। जो बाहर लगाते हैं भैया वो 350 में साड़ियाँ हैं। आप जब अगर लेना चाहते हैं तो आप देख के संभल के कहीं इसमें कट ना हो, कुछ भी आप देख लीजिए, लेकिन अच्छे से चेक कर आप इन्हें लीजिए, काफ़ी अच्छी थी। ये 450 की थी और ये भी काफ़ी अच्छी वेराइटी के है। सब अपनी पसंद से चीज़ें लेते हैं। ये पंजाबी स्टाइल लुक में होता है, जो आपका पंजाबी दुपट्टा होता है उसमें थी, कुछ सीक्वेंस में, कुछ सिफॉन में, कुछ बॉर्डर के साथ। तो जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से मतलब परचेज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं कि आप नहीं ले सकते, आप यूज़ करने के लिए लेने देने में भी आप इन्हें ले सकते हैं। आप अच्छे से चेक कर अच्छा डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी ऊपर लगी हुई है 450 में ये लगी हुई है, ये उसी शॉप का अंदर का है। ये 750 की रेंज में लगी हुई है, जो आपका सिल्क मटेरियल वगैरह में आता है, बनारसी सिल्क में आता है इस टाइप का। इस किसी पे एम्ब्रॉयडरी है, किसी पे वीविंग है। मुझे पर्सनली ये ग्रीन और पर्पल कलर की बहुत अच्छी लगी थी, छूने में भी काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी मतलब अच्छा फील करा रही थी। तो ये इस टाइप की ये साड़ियाँ हैं जो सारी की सारी 750 की रेंज में हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है तो मैं वो कराऊंगी आगे चिकनकारी में। और चिकनकारी की जो भी साड़ियां हैं वो 750 से लेकर 1500-1600 की रेंज में इनके पास हैं, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि चिकनकारी में पहले पैच कर फिर इस पर कांथा वर्क का या चिकन का इस पर काम किया गया है। तो ये सारा चिकन का थ्रेड है, आप देख पा रहे होंगे, और सारा हैंडवर्क है, कोई भी मशीन वर्क नहीं है, हाथ से किया गया और कॉटन फैब्रिक पे है। तो आप चाहें तो साड़ी यूज़ कर सकते हैं, बाद में कोई अपना ड्रेस इसमें बनवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर डिज़ाइन में साड़ियाँ थी 750 से लेकर 1500 तक। यहाँ पे एक काथा वर्क, सिल्क काथा वर्क में थी, ये देखो पूरा पूरा हैंडवर्क में है। ये 4000 की साड़ियाँ, आप नेगोशिएशन यहाँ पे करा सकते हैं। अगर आपका बार्गेन स्किल काफ़ी अच्छा है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लेने जाते हैं और मॉर्निंग टाइम में जाते हैं तो इतना तो वो भी आपका मान सम्मान रखते हुए चीज़ें दे ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन काम आप देख सकते हैं, काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए प्राइस भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो ये आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साड़ियों का मैंने थोड़ा सा ओवरऑल दिखाने की कोशिश की गई है कि अंकल के पास क्या किस किस टाइप की साड़ियाँ हैं। अंकल ने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया था जो कि मैंने बिल्कुल खो दिया है। सॉरी अंकल, सॉरी व्यूअर्स, प्लीज़ माफ़ करना, नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही